ये भी तो हो जाए, तीन को जो सीट है सो बांट दे पहले। एक परिवार में जो तीन सीट रखे हुए हैं अनुसूचित बंधुओं के लिए, अनुसूचित जाति बंधुओं के लिए 6 सीट है बिहार में, 3 सीट है एक परिवार में, और वो बनते हैं अनुसूचित जाति और गरीबों के मसीहा चिराग जी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। हाजीपुर स्टेशन का नाम बदलकर स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर रखे जाने वाले बयान को लेकर अब जो पलटवार है वो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से किया गया है। बता दें कि चिराग पासवान ने पत्र लिखते हुए ये जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दी है कि मैं बिहार के हरेक जिले में रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित कर रहा हूँ और साथ ही साथ हाजीपुर स्टेशन के नाम को बदलने की बात भी चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। लेकिन बता दें कि अब इसको लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मूर्ति लगानी अच्छी बात है, रामविलास पासवान गरीबों के नेता थे, उन्होंने अच्छा काम किया तो चिराग पासवान मूर्ति लगवा सकते हैं, लेकिन स्टेशन का नाम बदलना ये कहीं से भी सही नहीं होगा। क्या कुछ कहना है बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का और किस तरह से उन्होंने चिराग पासवान पर ये हमला बोला है, सुनवाते हैं आपको। चिराग पासवान ने हाजीपुर स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है और कहा है कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से होना चाहिए। हाजीपुर इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो नाम परिवर्तन करना, लेकिन अब कितना सार्थक है ये तो समय बताएगा। लेकिन मूर्ति लगाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बड़े नेता थे, मूर्ति लगावे, अच्छी बात है। अच्छी नाम होना चाहिए सर स्टेशन का, जो आपको की कुछ राय है तो बड़े नेता। अभी बात हम कैसे कहें, ऐसे अगर होने लगे, गरीबों के मसीहा हैं, 6 सीट में 3 सीट के परिवार में रखे हुए हैं, ये भी तो हो जाए, तीन को जो सीट है सो बांट दे पहले। एक परिवार में जो 3 सीट रखे हुए हैं अनुसूचित बंधुओं के लिए, अनुसूचित जाति बंधुओं के लिए 6 सीट है बिहार में, 3 सीट है एक परिवार में, और वो बनते हैं अनुसूचित जाति और गरीबों के मसीहा चिराग जी, जरा अपने तरफ देखें। तो बता दें कि पिछले कई दिनों से ये मांग चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है कि बिहार के हर एक जिले में जमीन दी जानी चाहिए ताकि वहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित हो सके। साथ ही साथ लंबे समय से चिराग पासवान ये भी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जब मुलाकात का समय नहीं दिया गया तब जाकर ये फैसला चिराग पासवान की तरफ से लिया गया, जिसको लेकर आज उन्होंने एक पत्र भी जारी किया और बताया कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान का जन्मदिन है, ऐसे में हाजीपुर से ही इसकी शुरुआत की जाएगी और 5 जुलाई को ही मूर्ति स्थापित की जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का एक बार फिर से ये विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ सीट को लेकर भी उन्होंने हमला किया है और बताया है कि आपके परिवार के ही लोग, आपके पार्टी के ही 3-3 लोग जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है और कई तरह के जो विवादित बयान है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।